रहने वाला जमींदारा कर दे, पानी फसलन लाई वद है, ते थक के बैठे खाल दे किनारे, खाल ने जमीन ते कूल दे किनारे, ये थक के बैठा ते कूल च उस खाल च पानी च लुटदा सेब आया, उस सेब लपया पानी च मजीद धोतस, भुख लगी आई इसते खा गया। ये जेडे वेले सेब खा बैठा, हाँ सरसी अगर कन दे जरिए दिल तक बात पहुँच जाई, तो हाँ ठरसी जबान हलसी, मिंबर दी अजमत दी कसम है, जेडे वेले खा बैठे तो फिर अपने आप नाल सलाह की, जेड़ा खा दई एदा मालक तू तना है, हक तेरा तना ही, जेड़ा खा बैठा एदा मालक, इसका मालक तू ना है। वह मालक की तलाश हस्ते टुरया, जिस पासों पानी आंदा खड़ी उस पास टुर पे, थोड़ा जहा चाचा सफर कीता, सेबां का बाग नजर आ, सेबां दे बूटियां ते सेब लगे नजर आ, इन्ना सेबां उस खाते सेब नाल मिलायस, ते जिस वेले सेब रल गए ना तो वज यकीन हो गई इस भाई इस बाग का फल त्रुट के मेरे तक पहुँचे जिहड़ा मैं खाद, तो इस दे मालक को मैं इजाजत लैना, मालक की तलाश की, इस मालक नू सारी गल सुनाई, इस मैं त्रोड़े या नहीं तेरा त्रुट्टो या सेब मेरे को पहुँचे जी, तो मैं खा ले, खावन के बाद एहसास होया ब मैं इसका हकदार ना, इस दे बदले च मैं तेरे को माफ़ी मंगण आया, माफ़ करें तेरी मर्जी, इस दे बदले च कोई पैसे लवें तेरी मर्जी, इस दे बदले च मजदूरी आके तो मैं करन वास्ते तैयार हूँ, इस दे बदले च अगर मेरे जिसम का कोई हिस्सा कटना चाहवें तो मैं अपने जिसम का हिस्सा कटावन वास्ते भी तैयार हाँ, मैं चाहना जिहड़ा सेब खाधा है मेरे ते मरण तो पहले हलाल हो जाए। यह ख्याल है जेडे ने पे बोलते पांच सात बंदे मैं भी पिछे खलारा तो बोल सो भाई, बोलो ना, मालिक इज्जत करे, हर पढ़ने वाले का अपना अंदाज होंदा, मैं जो कल ही पढ़ता तो मैं पांच सात बंदे किवें खिलारने, मेरे सो जी तुसो तुसा थोड़ी जी जबान हलावनी है, कोशिश करे बुजुर्ग दुआ करे नौजवान नसल मेरे जुमले नाल सफर करे, मैं गुजारिश की है भाई इस सारी कहानी बयान की, उस इरादा जाहिर किया मैं हर हवाले नाल सेब हलाल करावना, पैसों नाल करें तां तेरी मर्जी, मजदूरी नाल करें तां तेरी मर्जी जी, जे जिसम का कोई हिस्सा कट के हैं जी ये सेब मेरे ते हलाल करे ते तां तेरी मर्जी। साउंड आल किधे गया भाई, एक सलवात पढ़ो खुले चेहरे नाल बाबा सुबलंद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद माले मुहम्मद, तवज्जो करया जी, उस आख्या भाई जिस वेले तू मेरे कोल आपे आ गए माफी मंगण वास्ते, इदा मैं तेरे कोल के लैणा, मैं तेरे दिल च दीन का दर्द है, तेरे दिल च खौफ खुदा है, ये खौफ खुदा लैके तो दीन का दर्द लैके मेरे को तू माफ़ी मंगण आ गया, मैं तेन माफ़ किया मगर ये सारे सेब का मैं मालक नहीं, थोड़ी तवज्जो फरमाओ, सारे सेब का मैं मालक नहीं, क्योंकि इस बाग दे असा दो भिरा मालिक, ये सारा बाग असा दो भाई हाँ, तो दोवे मालिक हाँ, अद्ध मैं मालिक अद्ध मेरे भिरा मालिक, ये जो सेब खाद ये भी अस दो मालिक हाँ, अद्धा सेब तो मैं तेन माफ कर दा जी, अद्धा माफ करावना ही तो नजफ तुर वन, जिन्ना बंद रबेल नहीं पता बार दबेल कितने, जिन्ना बंद इस गल नहीं पता ब नजफ कितने, उन्होंने के पता लग सी ब मैं के आखे बार दबेल तू नजफ तुर वन, अगर सेब अद्धा माफ करावना चाहना उस अपनी जमींदारा भुल गया, फसलन पानी लाई वद्दा है छोड़ दिता, सारे हालात नू कढ करके ये दिन रात का चाचा सफर करे दे नजफ पहुँचया, उस महल्ले च गया, दक्कल बाप कीता उस बूहे का, जिस बूहे नाल उसकी गर्ज आई, ये बूहा खड़कैंदा गया ते अंदरों एक शख्सियत बाहर आई, सिर ते अमामा अबा कबा चेहरे ते रूहानियत, ते दरवाजे ते खलोते बंदे ने पूछया ने ब कौन है, इस आखे जी मुहम्मद हाँ, कितों आए जी, मैं अर्दबेल चो आया, क्यों आए, उस सेब वाली सारी कहानी बयान की थी, ते बयान करन दे बाद आदा अद्धा हलाल कराया अद्धा हलाल करावन तेरे बूहे ते आ गया, हैदरी उस सारी पिछली कहानी फिर इस दे सामने दोहराई, इस कीमत लेना चाहना है, मजदूरी करावना चाहना है, कुछ जिसम का हिस्सा इस दे बदले कटना चाहना है, मैं हाजिर, उस आख्या बस सेब हलाल कर दा, जो अद्धा सेब है ना वो हलाल मैं कर दा मगर कीमत नहीं लेनी, जिसम का हिस्सा नहीं कटना, तेरे को मजदूरी नहीं कराऊंगी,
उस आखे जी वत किवें हलाल हो सी। उस आखे वे मेरी एक बेटी है अखा चो नबीन ने मेरे पास वेखो स्पीकर सही तो न कर तू सत नहीं न कर सियाने बंद आसे पास बंद जो मिल वे उस वे तकलीफ होंगी इंतजामिया इंतजाम कर देना तुस मेरे पास ध्यान करो मालक से सलामती अता करो। उस आख्या बे दे बदले च मैं पैसे नहीं लेंदा मजदूरी ना करेंदा तेरे जिसम का कोई हिस्सा ना कटदा लेकिन इदे बदले च एक शर्त तू मेरे नाल ले से मेरी बेटी है अखा चो नबीना कन्ना चो डोरी पैर चो लूली अगर सेब हलाल करावना चाहना है तो तेन शादी करनी पोस اللهم صل على محمد وآل محمد जिथे अगा ही ना उथे सैटिस करी जुमलिया नाल चल दे जी। ये गल जितों तक मैं सुनाई उतों तक तुहाडे ज़हन च आया ना ब मेरी बेटी नाल शादी कर दें तो मैं तेने अद्धा सेब का टुकड़ा हलाल करना अखा चो नबीना है कन्ना चो डोरी है पैर चो बोलो लूली है अगर शादी तो रजामंद होवें तो मैं अद्धा सेब का टुकड़ा तेन हलाल टुरया ही अर्दबेल चू अद्धे सेब का टुकड़ा हलाल कराव तो पै स्यापे तो गया जनानियां हुई हुई उन्हें पता है स्यापे का हाँ जी के स्यापा होंगे द्यों चढ़द तो कि फरमायश द्यों लाह तक होंगी हाँ जी उस आके बन्ना अन्नीए अखा चू डोरी है कन्ना चू पैर चू ये लूली अगर इसके नाल शादी करा तो दुनिया कोई नहीं दुनिया क्यों नहीं इस वास्ते बई इसकी खिदमत जो लगा रस किस वेले धुप ते किस वेले छां ते के ख्याल है तुहाडा उस आख्या बजी इसके नाल शादी होवे तो दुनिया कोई नहीं सेब हलाल ना होवे ते आखरत कोई नहीं उस आख्या बजी जनाब थोड़ा जिहा मैं टाइम दिओ ताकि मैं सोच लैं उस आलमदीन आके बस सोच ले उस बैठक खोल दी उस आख्या भी जितनी देर तक तू फैसला न करे उतनी देर तक रिहायश भी देना ते खाना भी देना उदा 15 मिनट के बाद उस फैसला किया उस वत बुआ खड़काया आलमदीन फिर बहराए आख्या फैसला कर ली उस जी कर ले उस आख्या फैसला की तो नतीजा दस उस आख्या जी एक पास दुनिया एक पास दी आखरत अगर सेब हलाल ना होवे तो आखरत वेंदी है शादी न करा शादी करा तो दुनिया वेंदी है चलो मैं नतीजा कढ़िया है बदूहा पलड़िया तो एक पास आखरत रखी है एक पास मैं दुनिया रखी है दुनिया मेरी जाया होंदी है तो होवे आखरत कायम रहनी चाहिए दरी मेरी आखरत उस जगह भाई शादी कर दा शादी हो गई लुत्फ लिया है भाई गल शादी हो गई उजले अरूसी वो जी इस कमरे दुल्हन होंगी उस कमरे जिस वेले कदम रखे इस आलमदीन दसिया अन्नी है कन्ना चो डोरी है पैर चो विदार साहब लूली है तो शादी की इस कमदे चलो आखरत बच जाए दुनिया जी वेंदी है तो लगी वंजा बर्बाद होंगी है तो होवे जिस वे अंदर कदम रखे अस ना ये त्रैवे अलामता नजर नहीं आई जेल अंदर कदम लगे सुहूर नुमा एक बच्ची सामने मसनत बैठी इंज भज के बाहर निकले उस आलमदीन ने मुस्कुरा के आके भज के निकले उस आके जी मेरे नाल धोखा हो गया उस आके धोखा कैसा उस आके तुस आके बा अन्नी है वो तो वेदी पई तुस आके कन्ना चो डोरी है तो सुन दी है तुस आके पैर चो लूली है पैर सलामत है पता नहीं कितने महफूज करने कितने कुड़ी के वेखना कितने दे सिर तो जुमला लगना है हर बात हर बंदे आस्ते नहीं हर बात दा हर बंदा खरीदार नहीं होना कितने खरीदार बैठन मैं वेखना चाहना बुजुर्ग दुआ करे नौजवान नसल मेले जुमले नाल सफर करे मैंने मिंबर दी अज़मत दी कसम ए आलम दीन मुस्कुरा के इस मुहम्मद अर्दबेली का चेहरा देख के आदे अन्नी बही मान है जिता दी होश संभाली इस हराम डिठा नहीं डोरी बईमाना हराम कलाम सुनी नहीं
लूली बई माना बहराम आले पास से इसका कदम उठया नहीं। तवज्जो फरमाई तू भाई, इन्ना माने च लूली ये बहराम आले पास से उसका कदम हराम कलाम नहीं सुनी, हराम वेख्या नहीं। ये जिस वेले खौफ खुदा की वजह तू शादी की आई ना मुहम्मद अरदबेली, अद्धा सेब हलाल करावन वास्ते आ जाई, अगो शादी हो गई कि अल्लाह जेड़ा पुत्र दिता है। हाँ ठरसी, अगर पहले तुसा ना सुने हो ठरना उदा है जिदा पहले कन्ना ते ना पहुंचे हो, तो यकीन जे मामा दी झोलियां तो दादार अली और वली पढ़न वाले उन्होंने कन्ना ते ला तादाद मरतबा ये ना पहुंचे होने। मुहम्मद अरदबेली अद्धा सेब हलाल करावन वास्ते शादी की है, तो जे वे शादी की है तो अल्लाह जेड़ा फरजंद अदा किया है इस पूरे वलता रैन मुकद्दस अरदबेली बन के मशहूर हो गए। मुकद्दस अरदबेली, ये मुकद्दस अरदबेली वो है कि जिसके जरिए जाकरीन तुहाडे तक मसाइब दियां बातां पहुंचन, मकतल दियां किताबां लिखण, मकतल ते तहकीक करन, ये अद्धे सेब नूं हलाल करावण दे नतीजे जिहड़ा दुनिया ते आया मुकद्दस अरदबेली बण गया। इहदा मकसद है अगर दिल च खौफ खुदा होवे, बंदा पढ़े होया ज़हरन कख ना होवे, ते सेब हलाल करेंदे करेंदे मुकद्दस जाए, मुकद्दस बच्चे ते फरजंद दुनिया ते आंदे। जमीना दे बारे च भी मासूम फरमाया, हर जमीन एको जी नहीं, जमीना भी एक दूजे ते फजीलत रख दी।